गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास थ्री का हिंदी। क्लास थ्री का हिंदी इसके पहले वाले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, जिसका ये शीर्षक है पुनर मुष्को भव। ठीक है, पार्ट टू है पुनर मुष्को भव। इसका अर्थ भी हम समझा दिए थे आप लोगों को कि पुनर का मतलब होता है दोबारा, मुष्को यहाँ कहा गया है चूहा को, भव मने होना, यानी कि एक चूहा है जो बीच में वह बहुत सारा जानवर का रूप लेता है लेकिन अंत में फिर उसे चूहा ही बनना पड़ता है। और अपने किस गुण के कारण, किस स्वभाव के कारण ऐसा होता है ये हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बुक में देखें। पहले भी हम बता चुके हैं कि किसी कुटिया में एक ऋषि बैठे हुए थे। कुटिया का अर्थ बता दिए हैं कि जो घास से, पत्ते से, ये सब से जो घर जैसा बनाया जाता है जिसमें साधु महात्मा रहते हैं नदी के किनारे, उसी को कुटिया कहते हैं। वे कुटिया ऐसा चीज होता है, घर ही है लेकिन हम लोग के घर की तरह नहीं होता है, साधु महात्मा के रहने के लिए घास फूस से बनाए जाते हैं, वो शांत जगह पे, निर्जन स्थान पे होते हैं। तो एक कुटिया में एक साधु बैठे हुए थे। ठीक है, वह पूजा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उसी समय, उसी क्षण एक चूहा भागते भागते आया और कुटिया के अंदर घुस गया। ऋषि को देखकर वह बोला, प्रणाम किया ऋषि को और बोला, महात्मा आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे बिल्ली बना दीजिए। ऋषि के ऐसा पूछने पर कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वह बोला कि मुझे बिल्लियों से डर लगता है क्योंकि बिल्लियां मुझ पर झपटती है, वह कभी भी हमको खा जाएगी। ऋषि को दया आ गई और ऋषि अपने कमंडल से जल को लिए हाथ में और मंत्र का उच्चारण करके उसके शरीर पे छिड़क दिए। फिर थोड़ी देर के बाद चूहा बिल्ली का रूप धारण कर गया। बिल्ली का रूप धारण करने के बाद चूहा बहुत खुश हो गया और वह भागते हुए बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वह बिल्लियों के समूह में, बिल्लियों के साथ घूमने लगा। वह निडर होकर घूमने लगा। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी कि बिल्ली मुझे खा जाएगा क्योंकि वह खुद ही बिल्ली बन गया। एक बार एक कुत्ते की नजर उस पर पड़ी। बिल्ली बने हुए चूहे पर एक बार कुत्ते की नजर पड़ी और वह उस पर झपटा, यानी कि बिल्ली पर एक कुत्ता झपटा। डरता हुआ बिल्ली बना हुआ चूहा फिर ऋषि के पास पहुंचा। डर कर वह फिर ऋषि के पास पहुंचा और फिर ऋषि को प्रणाम करके बोला, महाराज आप मुझे कुत्ता बना दीजिए क्योंकि अब मुझे कुत्ते से डर लग रहा है, क्योंकि कुत्ता मुझको देख के मुझ पे झपट रहा है। फिर महाराज को दया आ गई और महाराज उसी तरह से जल अपने कमंडल से जल लिए और मंत्र का उच्चारण करके उसके शरीर पर छिड़क दिए और वह क्या हुआ, बिल्ली से फिर कुत्ता बन गया। जब बिल्ली से कुत्ता बन गया, यानी कि चूहा बिल्ली से जब कुत्ता बन गया, तो वह बहुत खुश हो गया और खुश होकर वह घूमने लगा, जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर चला गया और बहुत स्वतंत्र होकर वह घूमता था, निडर होकर वह घूमता था, उसे अब किसी प्रकार का भय नहीं था। जब वह जंगल में, एक बार की बात है कि वह जंगल की ओर घूम रहा था तो शेर की अचानक गर्जना सुनाई। शेर की गर्जना सुनकर वह वहां से डर कर बहुत तेजी से आया,
भागते हुए, तेजी से भागते हुए फिर ऋषि के पास पहुंचा और वह ऋषि से बोला, महाराज मुझे शेर की गर्जना सुनाई दी है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि कहीं मुझे शेर नहीं खा जाए, मुझ पर दया कीजिए और मुझे फिर से क्या कीजिए, शेर बना दीजिए ताकि मैं निर्भय होकर घूम सकूं, क्योंकि अब हमको और जानवरों से डर नहीं लगता है, अब हमको शेर से डर लगता है कि कहीं शेर हमको आकर नहीं खा जाए। ठीक है, तो फिर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने उस कुत्ते को फिर उसी तरह से जैसे पहले से बनाते आ रहे थे, अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़ के उस पर छिड़क के उसी तरह से फिर कमंडल से उन्होंने जल लिया और मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के उच्चारण के बाद वे क्या किए, कुत्ते के शरीर में छिड़क दिए। जैसे ही जल कुत्ते के शरीर पे पड़ा और वे बोले कि ये कुत्ते तू बाघ बन जा, कि अचानक से कुत्ता बड़ा सा बाघ बन गया। जब बाघ बन गया तो वह बहुत खुश हो गया कि अब तो मुझे किसी से डर नहीं है, अब तो मैं बाघ बन गया हूँ, अब हमसे बड़ा जानवर कोई हो ही नहीं सकता है, अब तो मैं स्वतंत्र हूँ, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। और वह क्या किया, देखिए आप लोग बुक में यहाँ दिया हुआ है, ऋषि ने कुत्ता बने हुए चूहे की प्रार्थना स्वीकार की, उन्होंने उसे बाघ बना दिया। बाघ बना हुआ चूहा गरज कर बोला, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाघ बनाकर मुझे निर्भय बना दिया, अब मुझे किसी से भय नहीं है। ठीक है, देखिए लास्ट पैराग्राफ में यहाँ ऋषि ने कहा, ए बाघ बने चूहे यहाँ मत गरजो। जब बाघ बन गया तो वह गरजने लगा तो ऋषि मना किए कि मेरी शांति भंग नहीं करो, मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ, तुम यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे पूजा करने दो, मुझे शांति में रहने दो। लेकिन उसको तो अहम हो गया, घमंड हो गया कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है, डर नहीं है। ऋषि बोले, मेरी शांति मत भंग करो, जाओ वन में निर्भय होकर घूमो, तुम जंगल की ओर जाओ और वहां निडर होकर तुम घूमो, यहां से चले जाओ। ठीक है, देखिए बाघ बना चूहा खूंखार हो गया था, बाघ बना हुआ चूहा क्या हो गया था, खूंखार हो गया था, वह किसी को भी मार सकता था, किसी पर भी झपट सकता था। ठीक है, इतना वह घमंड से बोला, महाराज अब मैं किसी से नहीं डरता। वह ऋषि से ही बात करने लगा कि महाराज मैं अब किसी से नहीं डरता, यहां तक कि मैं आपसे भी नहीं डरता हूं। ठीक है, मैं आपसे भी नहीं डरता और मैं भूखा भी हूं, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे भूख भी लगी है, इसलिए मैं आपको ही खा जाऊंगा, मैं आपको खा जाऊंगा। यह कहकर उसने ऋषि पर झपटा कि मैं आपको खा जाऊंगा, यह कहकर बाघ ऋषि पे झपटा। ऐसा उसका व्यवहार देख के, बिहेव देख के ऋषि को आश्चर्य हुआ, वो घबरा गए। ठीक है, और फिर क्या किए, वो अपने कमंडल से जल निकाले और मंत्र पढ़ के फिर उसके शरीर पर छींटा मार दिए और कह दिए, ये बोलकर कि ए बाघ बने चूहे तुम फिर से चूहा बन जाओ। इतना कहकर मंत्र पढ़ के जल का छींटा दिए तो वह बाघ तुरंत ही क्या हुआ, फिर से चूहा बन गया। जब चूहा बन गया तो उसको बहुत दुख हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन
जब एक बार किसी से गलती हो जाती है तो फिर वह उसको लौट के नहीं आता है, उसको सुधारा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से चूहे से गलती हो गई, देखो बाघ बना हुआ चूहा फिर से चूहा बन गया, बाघ से चूहा बनते ही चूहे का क्या हुआ, घमंड चूर हो गया, उसको अहंकार हो गया था, उसको घमंड हो गया था कि अब मैं बाघ बन गया हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, अब मुझे किसी का डर नहीं है। यह सोचकर क्या हुआ, ऋषि फिर से उसको चूहा बना दिए, और इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेडिंग हो गया है पुनर्मुष्को भव, यानी कि फिर से वह चूहा चूहा का रूप ले लिया और चूहा बन गया, ठीक है। आप लोग इस लेसन को पढ़ लेंगे और इसका शब्दार्थ याद कर लेंगे, आप लोग को क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में भी आप लोग को हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ है ऋषि ने चूहे को सबसे पहले क्या बनाया, सबसे पहले क्या बनाया, तो सबसे पहले बिल्ली बनाया, ठीक है। ऋषि चूहे को बिल्ली कुत्ते आदि में कैसे बदलते थे, तो ऋषि क्या करते थे, अपने कमंडल से जल लेकर और मंत्र पढ़कर उसके शरीर पे छींटा दे देते थे, जिससे वह दूसरे रूप में आ जाता था, ठीक है। बाघ बना हुआ चूहा ऋषि की शांति कैसे भंग कर रहा था, ऋषि जब चूहे को बाघ बना दिए, बाघ का रूप धारण करके वह ऋषि पर ही झपटने लगा और ऋषि के कुटी में ही वह गरजने लगा, और फिर ये भी बोला कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मैं आपको खा जाऊंगा, ठीक है। यह देखकर ऋषि क्या किए, ऋषि को गुस्सा आया और ऋषि फिर से चूहे को बाघ से चूहा बना दिया, चूहा बनते ही चूहे का घमंड चूर हो गया और वह शांति से फिर से वह लौट गया, अपने घर में चला गया। इसलिए कहा गया है कि इंसान को या किसी भी जीव जंतु को घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड का जो फल होता है बहुत बुरा होता है, वह घमंड नहीं करता, निडर होकर नहीं करता कि अब मैं आराम से घूम सकता हूँ, स्वतंत्रता से घूम सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, और वह ऋषि पर नहीं झपटता तो फिर से वह चूहा नहीं बनता, वह बाघ ही रहता। लेकिन उसको अहंकार हो गया, घमंड हो गया, इसलिए वह फिर से चूहा बन गया, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।